ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। जपत रथों निस दिन मैं माला लेकर नाम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान दे के सुन गौरी महिमा श्री राम के। जपत रथों पापी पार बोल जप के जेकर नावला, धन्य हे उमाहिर देखे भक्ति भावला, हो ते पापी पार बोल जप के जेकर नावला। आज मैं सुना हूँ महिमा उही दया धाम के, ध्यान देख सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान देख सुन गौरी महिमा श्री राम के। जब तेरा था निस दिन मैं माला देकर नाम के, ध्यान देख सुन गौरी महिमा श्री राम के, ध्यान देख सुन गौरी महिमा श्री राम के। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन तो मतलब शक्ति एकर स्थिति के हैं हों कि माता कौशल्या में वो ताकत है जिन साकेत लोक के रहने वाला ला मृत्यु लोक में उतार दे, जिन निर्गुण निराकार कहे जाते थे सगुण साकार बना दे। साधारण माता रही कौशल्या ऊपर के खालहे में उतार दे। राम ला परम पिता की थे, महात्मा गांधी जी ला राष्ट्रपिता की थे, है ना। अभी एक जन वहाँ है हस्तिनापुर में, बोला भीषम पितामह की थे, ब्रह्मा जी लोग पितामह की थे, लेकिन भगवान राम लग परम पिता। छठी के कारण में खलो छपते परम पिता, है ना, बिहाव के कारण में छपते परम पिता, नौधा रामायण के पाम्पलेट में छपते पहली परम पिता, वही आखिरी पिता है, हो गए। जिन परम पिता ला पुत्र बना दे वो महतारी कोई साधारण नहीं हो सके यार। अतका क्षमता है माता कौशल्या में, तो तुलसीदास जी ने लिखना पड़ीस अगर राम चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो इस महल में कौशल्या के महल में, तो कौशल्य बरे हो पोगरी एलाऊ जतका झनानी रीस ने राजा दशरथ के भवन में वो मनऊ कोनो नहीं देखे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, मात्र महतारी का नाम लिखा है कौशल्या हितकारी। प्रश्न खड़ा करिन सियान मन, ओकर उत्तर घोलो निकाले है कि प्रगट का कर बरे तो कौशल्या बरे, तो अवतार तो घोलो लिखा है लीन मनोजी अवतार, तो वो का कर बरे तो विप्रधेन सुर संत बरे, तो जन्म तो घोलो लिखा है। अगर राम को अगर कौखले जन्म नहीं ले तो फिर जन्म का बल लिखा है, तो राजा के बेटा के रूप में आए ते कर से थी जन्म लिखा है, राजकुमार के रूप में आए, मृत्यु लोक में आए, मनुष्य रूप में आए, ठीक है। लीला करे बर आए तो लीला कौन करते, तो कलाकार मन तो लीला करते, पहली सियान मन लीला करे, अभी कलाकार मन लीला थोड़े करते, अभी कलाकार मन नाटक करते। सियान मन स्पष्ट बोल देते तू मन लीला नहीं कर तो बाबू तुम नाटक कर था। तो कई ऐसे कारण है राम कुमार भैया जिन कारण से तुलसीदास जी है भगवान राम के विषय में जन्म लिखे हैं।
तो जन्म का कर बरे, तो जन्मे तेने हतो तोर हमर बरे, ठीक है। अगर भगवान जन्म लेके लीला नहीं करे रहती तो रामचरित मानस के पठन पाठन कहाँ होतीस, न कोनो कलाकार होतीस, न रामायण ले कोनो गाती नहीं, कोनो सुनाती नहीं और कोनो सुनती नहीं, ठीक है। ते तोर हमर बड़े भाई जन्म है, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, इस जहां के लिए धरती माँ के लिए, इस जहां के लिए धरती माँ के लिए, जब जब बुझा कौशल्य जो हर बनो है हम सब बरे, तो हम सब में तीनों लोग शामिल है, हम सब में जनकपुरी घलो शामिल है, अयोध्यापुरी से लेके जनकपुरी तक देख ले भाई, कारणे कारण है, जिन कारण के निवारण करे बर भगवान राम वो जगतारण हधरा धाम में आए, ठीक है भाई। हम टोना टाले निकले तो एकदम टप ले खैरा जागे का रद्दम तो कतको गाँव पर है अर्जुनी, तेकर बाद कमरिया खैरी खपराटी भाटा पारा, ठीक है। तेकर बाद फिर खोलवा देवरी होवत नारायणपुरा है चंदखुरी, तेकर बाद गुठिया, तेकर बाद फिर खैराया है, रद्दम जत के परत आवत है गाँव हाँ, तो वो भगवान उकरो कर भेंट मुलाकात करहित नहीं करी, करहित नहीं करी, न सर के निकल जाए। तो अयोध्या से लेके जनकपुरी तक के कारण कारण है। एक तो सबसे बड़ी बात ये रही, इसमें आए हो ना तो उतके टाइम चौपाई चलत ऋषि हम, बंधु सखा सब ले ही बुलाई, बन मृगिया नित खेले ही जाई, रोज के भगवान राम मृगम मारे जाए सरजू के कछार मां, जेन मृगम मल्ला कोनो जन्म में कहीं गलती कर पर रिन हो तो मल्ला श्राप मिल गए, जानवर जैसे सलूक करते हो जानवर हो जाओ। लेकिन बहुत अच्छा बात ये हुई कि भले उमन जानवर यो नील प्राप्त करीस, लेकिन उद्धार भगवान राम के हाथ में लिखा दीस, देख रहे सीधी भगवान राम मृग मल्ल मारा है, अरे मारा है का वो मल्ल समारा है दुलारा है अभाव सागर ले तारा है। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान राम की जय। एक ठन बहुत बड़े कारण तू ही है कि मृगा योनि ले उद्धार करे, और विश्वामित्र की यज्ञ के रक्षा करना है, फिर आगू डहर तो अहिल्या माता रद्दा देखा थे ओकरो उद्धार करना है, गंगा में स्नान करना है, गंगा जी के ध्यान करना है, ओकर सम्मान करना है ना, और गंगम जत का पंडा रही थे ना तो पंडा मन के ओकर दलिद्री घलो ले दूर करना है, दूर करना है दलिद्री ले, अभी भी जानते हैं वो पंडमन के व्यवहार देखबे ना तो दोबारा इलाहाबाद जाए की इच्छा इतना धूर्त है, पंडे चन की थे का वो कायन काय पंडे चे, गंगा जी की चिखला चंदन ले ओ पार है, तो मन तो पंडा लू ओ पार है, हैं गोठिया थे तत्किम डंडा मारा तीसे लागते, खबर एक बार गए हूँ हमें स्पष्ट बोल देना कि दोबारा जाए की इच्छा, तो पाप कौन जगह बाढ़ थे, जिमी तीरथ कर पाप, रावण के गर्दन कटावे ना
भगवान राम के बांध में बुगले फेर तहन ले को रे सम सही हैं। तो ही जगह लिखा है जिमी तीरथ कर पाप, बाहर के आदमी मन एतिक आदमी मन दूर दराज के आदमी मन पाप लो उहे धोते, जतका वही इलाहाबाद वाले थे मन बोलो भोग थे अंदर है। हाँ मजाक नो है भाई, गुड़वाए हुआ इतिल गए कर पाप है और उमल उहे रहना है तो भोगी इतनी भोगी तो उनका दलिद्री दूर करना रिस। अधर्म कौन में रहते भाई, जिन जगह धर्म है तेने जगह अधर्म होते। पानी में ही जिंदगानी है तो पानी में ही मौत है। ये जन आदमी मरत रिसे कैप कैप करत रिसे तिले एक गिलास पानी पी तो उठ के हो बैठ गए। अब एक जना कैसे खत्म हो गए पानी पीते रिस कि थी किसी तो पानी पीते रिस तो मरीज का मिल हो कथे कन पीते रिस हो ओवरफ्लो शब्द वही चे। ये जन प्यास में तलपत रिश्ते न पानी पी के जी गए। अवे जन हो शिवनाथ के पूरा वहाँ पानी पी के लखन से रामचंद्र की जे पूरा भी जम के पूरा बाढ़ा दी शायन था सिमरिया घाट। सिमरिया घाट है माने पूरा जन घोड़ा है ना मात्र ये चार अंगूर भर छोड़े दी पुलिया ऊपर आए बट अभी दोबारा वो ढाल जाए की इच्छा रात भी काल के कारोबार का। लखन श्री रामचंद्र की जय। अब गंगा स्नान करे के बाद जनकपुरी वाले मल दर्शन घलो देना है। जनकपुरी के गली खोर में भगवान ला भ्रमण भी करना है, यज्ञ मंडप ला देखना है और सबसे बड़े कारण धनुष जिन राजा दधीची के हड्डी से बने धनुष वो धनुष के उद्धार करना है। तोड़ना भर नहीं भाई, वो थोड़ना भर नहीं है, टूट ही तब है वो धनुष के उद्धार हो ही। काबर धनुष कोनो लोहा उहा के तांबा के पीतल के नो है, राजा दधीची के हड्डी से बने हैं, जीवित शरीर के हड्डी से धनुष बने हैं। और दधीची कौन है, भगवान राम के पूर्वज है और भगवान राम हो ही पूर्वज के वंशज है। ठीक है, चले तो जनकपुरी तक जाहि किसी नहीं, भगवान राम जाहि। तो विश्वामित्र राजा दशरथ लकी तब मुनिवर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा। वो को कुटिया में ध्यान लगे इसने देखा धन दिख गयो ला या राम तो जन्म ले रहे अयोध्या में बाल लीला कर रहे। सरजो नदी लीला में ठन यू शामिल हरे, लीला में यू हर शामिल है। सरजो नदी के तीर हो राम जी के गढ़ के हिंडोलना, सरजो नदी के तीर हो राम जी के गढ़ के हिंडोलना, सरजो नदी के तीर हो राम जी के गढ़ के हिंडोलना, सरजो नदी के तीर हो राम जी के गढ़ के लक्ष्मण झूले राम झूला
रावण झूले राम झुलावे, शत्रुहन झूले भरत झुलावे, शत्रुहन झूले भरत झुलावे, रामे झूले लखन झुलावे, हनुमत खींचे रसी डोरो राम जी के गड़गे डोलना, सरयू नदी के तीर हो राम जी के गड़गे डोलना, सरयू नदी के तीर हो राम जी के गड़गे डोलना, सरयू नदी के तीर हो राम जी के गड़गे डोलना। प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा, अशुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में सब सियान के शब्द है, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, विश्वामित्र देरी नहीं करीस, सरयू में स्नान ध्यान जलपान करे है, पांच बूंद पानी छींच लेते हैं तीनों तो स्नान है। मैं गाड़ी ली उतरे हों, उतरे के बाद हम दो बूंद पानी छींचे हों, ओकर बाद भगवान के नमन भजन करे हों, जेकर नाम से आए हों ठीक है तेकर नमन भजन पहली होना चाहिए। ये मोर सिद्धांत है, पहली यवत बिहारी होकर बाद फिर रिश्तेदारी धन रहेगा। आते हैं दीदी भाटों का जाग वहाँ ठेठरी जी का फैला था, तेहें झेला था तेन झेलावेद से, हाँ तो टोली लिखा इतनी रहा है खबर तेहें दूसर लजोंग देख लिखवा देवी की के अब आए कहाँ आते हैं राम दरबार के नाम से। ठीक है, और दीदी भाटों का तेन सगमाना था तो जुग ट्रोली है सही टाइम में लिखावे नहीं करे, बिल्कुल तय है। पहले एकर दर्शन पर्सन कर ले, संत समाज के दर्शन पर्सन कर ले, संचालक भैया से मेल मुलाकात कर ले, ओकर बाद फिर चाय पीने पानी पिए के बाद फिर रिश्तेदारी दिखते हैं। और ते मायल घोलो मिल ही रामला घोलो मिल ही तो नहीं मिले वो सना, हम मायल छोड़े हन, मायल छोड़े हन 30 किलोमीटर नारायणपुर। ठीक है, ये दिलो जोड़ ले ता मायल छोड़े हैं तब ये राम ला पाए हैं, तो हूँ घर द्वार ला छोड़े हो तो हूँ मन पुत्र परिवार ला छोड़े हो तब ये जगह राम थोर में आए हम, तो मायल नहीं देखना चाहिए, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रही मन कब हो न रही सके रवि रजनी एक धाम हो गए। पांच बूंद पानी छींच लेन तेनो हाँ गंगा स्नान है मानो, मैं बचपन से भजन ले सुने हूँ आवाज तक सुना था, मानो मानवे तब मानो तो मैं गंगा बाहो ना मानो तो बहता पानी, खल खल ले हाथ गोड़ मुँह कान धो लेन तो वह ही स्नान है। ठीक है, हो विश्वामित्र जी के आगमन ल सुनिश्नत राजा दशरथ ब्राह्मण मंडली से ही तोला लिवाए बरगीस परघाए बरगीस, जब एक ल परघाए बर एक के स्वागत पर जब अनेकों जावे पूरा संस्था संस्था समिति सहित कहूँ जावे है ना, गाड़ी जब हमारे में रही से ना तो चार पांच जन सक लागे सीताराम भैया तो चली दी है ना, ये सुंदर सम्मान के भावे तो जब एक ल जब लाए बर अनेक मन जाते तो देखिए मन अंदाज लगाते बने पहुंचे हुए महात्मा का हुआ आए थे ना बने पहुंचे हुए का, तो विश्वामित्र का पहुंचे छुए और पहुंचे हुए नहीं रीति ताजी यहाँ तक नहीं पहुंचे रीति वो पहुंचे हुए थे का सिद्धि पहुंचे छुए। ब्राह्मण मंडली लेकर के राजा दशरथ चले जाके दंड शरण पांव पर है। ठीक है, ओकर बाद अपन आसन मलाग बैठा रहे निज आसन बैठा रहे नियानी, नहीं तो वर्तमान प्रवेश में आदमी अपन मेन कुर्सी में मेन सीट में दुसल बैठन नहीं दे बिल्कुल फिक्स है। तो राजा दशरथ तो घलो सुनेगा, राजा दशरथ जब देव लोग जाए ना देव राजेंद्र अपन आधा सिंहासन में जगत है, आज विश्वामित्र अपन आसन में बिठार दे
करी दंडवत मुनि सनमानी, उत्कबर रह जाएगा। जरा भी होकर हृदय में अहम अभिमान के भाव नहीं है, गौटी शान नहीं है। अगर शान वाले बात होती ताजो इसने दंड शरण पाँव तरी नहीं गिरती। जेकर मस्तक झुक थे तेने ल सुकंड की थे, अपन से बड़े के सामने जेकर मस्तक झुक थे तो वही लुकंठ माने सुग्रीव की थे। और जेकर मस्तक नहीं झुके अपन से बड़े के सामने तो लग करुहा तुम कह गए, यही रामायण में लिखा है। राजा दक्ष के शीश जब तीनों देवता के सामने नहीं झुकीस, एकर सेती ओकर गर्दन ल काट दिएगी। और राजा दक्ष के सिर के जगह में बोकरक मुंड ल खप दिएगी। तो कहा ओकर घेच एक बार कटा है बोकरा के, आज ले कटा थे का चलते है कहा बार। तो राजा दक्ष घलो कहे मैं तो बोकरा काय की थे मैं ओ मैं की थे तेकरे से थी ले तो अब तय ऐसे लखन से रामचंद्र की अहम के भाव है। तो जेकर हृदय में अहम रही थे ना भाई, वो ककरो सामने झुके नहीं बल्कि वो खुदे मुड़ भरसा गिर जाते। तेकर बाद चरण पखारे है, चरण पखारी कोनो कोनो क्षेत्र परंपरा आज भी चलत है। अचानक जेकर घर ककरो घर में चल देवे ना तो घर के बेटी हो चाहे बहू हो चाहे महतारी हो, अतिथि देवो भव, मेहमान देवो भव नहीं कहे कोनो, न हम सुने न मेहमान देवो भव। मेहमान देवो भव किसी हो जाए बहुत पहली फोन करे तेकर बाद आए, और अतिथि है तो अतिथि ल तोर बारे में जानकारी ची नहीं है, न तोर मोबाइल नंबर ल जाने, न तय हो आही धनी आही तेनो ल तहू नहीं जाने। और कद के बरा ही अतिथि है तो 2 बजे रात के घलो आ सकते, जब 2 बजे रात की आई तो उसके भी रोकर पर चाय खोलाए लागे। अब भोजन नहीं करें सीताराम, खाना बनवा देते तो 2:30 बजे रात के ऊपर पर खाना बनवाए लागे। अब अंदाज लगा उसके भी सीताराम ल कैसे लागी और अंधियल कैसे लागी जान रहे। हाँ जतकापन चूल्हा बर ही ना ओकर ले जाते इतनी बरी भर 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 एक आएंग बेरा है तमाशा लगा है वही डर भजिया उजियल खा लेती परे रहती नीचे। मेहमान देव भवानी का है भाई, अतिथि देव हो जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको अतिथि कहते हैं। और अतिथि का स्वागत अगर दिल के गहराई से हुआ थे तब बोला भगवान के स्वागत मानेंगे। हमार गोट बात है सीताराम मोर सनत के 15 दिन पहले चला थे जाने है? अब चरण धो के चरणामृत ले है तो पहली चयान मन कैसे पी थे पंचामृत ले हिसाब पाए हैं। इतना प्यार से पियत देखे हूँ मतलब पंचामृत ल पान करत कावर 5 ठन अमृत मिलते तब वह पंचामृत कहलाते। एक ठन होती ते अमृत होती, 5 मिल गए तब वह पंचामृत है। अब एक हाथ में नहीं दोनों हाथ में माने एमल कहूँ छटक दी तेम हर कह दे ठीक है, हेमल कहूँ बुलक दी ते ना एम हर का जही और दोनों में केतल ये हर का जही। इतना प्यार से पान करते तो चेथिक जात ले शरीर थे गा चेथिक जात ले शरीर थे तो उकर हाथ ले देखबे ना तो वो कुछ नहीं रहे सब अंडरग्राउंड हो जरी थे ठीक है। माने वो पंचामृत घलो अपन आप ला धन्य महसूस करते और पंचामृत पान करने वाला घलो है अपन आप ला धन्य महसूस करते। ऐसने पान करे के भगवान के प्रसाद ला ग्रहण करे के ठीक। राजा दशरथ चनामृत ले कोठापुरियम छींचे अपन भाग्य के बड़ाई करे निजे सौभाग्य मोहे लागी लगन गुरु। वो तो विश्वमित्र एक जन संत का एकर दर्शन राजा दशरथ पावर थे। हमर नजर के सामने बैठे थे मन कतका जन संत हो गिनती लगाओ तो 200 ले कम नहीं है, है ना मोटा बात। उसने की देगा मोटा बात है, मोटा घलो बता दे रहा पतलल घलो बता दे रहा। 200 आदमी थे मेरे बैठे छो तो कौन समाज बैठे हो, संत समाज तो बैठे हो।
राजा दशरथ का कहना परिस कि आज धन्य में धन्य अति पावा दरस तुम्हार मम पूरब के भाग्य को कौन सराहन हाँ। मोर कोनो जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं तेकर फल है जिन आपके दर्शन पावत हूँ। मोला दू कदम रेंगल नहीं लगी आपे मन ताड़क मन से स्वयं चल के मोर घर आए हो अपन चरण कमल ला मड़ाए हो चरण कमल के धुरल झराए हो आज चरण कमल पर गए चरण के धुरल झर गए मोर जन्म जन्मांतर के पाप तर गए। इतना बोले है ते बात मैं गुणा भाग लगावत हूँ। जब राजा दशरथ के पुण्य उदय होइस तो विश्वामित्र जी से एक संत के दर्शन पाए तो हमरत को जन्म के पुण्य उदय हो है तब अतका जन समस्त संत के दर्शन हम पावत हन गावत हन बजावत हन और पढ़ पढ़ के सुनावत हन। प्रेम से बोल समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय यज्ञ भगवान की जय। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागी लगन पखारी किन्नियति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा बोल रही इसने राजा दशरथ तेकर बात का करे है तो भोजन करवाए भोजन करवावा माने ओकर बर विशेष रूप से एक तो ओकर घरे में विशेष रूप से बंद थे कर आ जाएगा है वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सके सारद अहि राजा ज्ञान के देवी सरस्वती नहीं बता सके हजार मुख वाले शेष नहीं बता सके तो ओकर घर के संपत्ति तय हम बता डरबो एक मुंह वाले है बड़े बड़े चलती नहीं मुसक मंत्र भी स्पष्ट चौपाई लिखा है। और सुने हैं हम हाँ राजा मन 56 प्रकार के खाते हैं। अब हम कान भर में सुने हैं राम कुमार भैया 56 प्रकार के इसे बचपन से लेके अभी तक के अब देखे नहीं है बटकी में बासी और चुटकी में नून तो दुए ठन में हाथ टकर रहा है बासी और नून मानी मिर्चा साग और भात तो दुए ठन ले जानथन ना अब थारी कहो चारों मुड़ा 15 ठन मार है कटोरी में खाए के हाँ तो नहीं बने हिसाब है कई ठन है तो सुरुच नहीं हो रहा है कावर दुए ठन में हाथ चले टक रहा है ठीक है अब 5 ठन कटोरी मारे है झुझकबे नहीं झुझकबे गौर करके देखे लग तो दोमा के कहा धन नहीं किसे बड़े आदमी बड़े बात जत के भात तत के साग अंदर
छप्पन छप्पन कीतेगा तो हमार सियान बतेस छप्पन प्रकार के हम मन खाथन बाबा मन बते सियान मन छप्पन प्रकार के हम मन खाथन जतका झन बैठे हो हिसाब लगा लो माता राम मन मांदी मेला में जेन दू ठन सोहारी मिलते और जेन दू ठन बरा मिलते तो वो चारों मिला के छप्पन होते राम कुमार और बरा माने बारह सोहारी माने सोलह सोहारी माने सोलह बरा माने बारह तो दू ठन सोहारी कतका हो गए सोलह दुनी बत्तीस नोट करो रहा बरा माने बारह तो दू ठन बरा करके चौबीस चौबीस और बत्तीस ले जोड़ ले करेक्ट छप्पन होते लखन श्री रामचंद्र की जे नहीं हो गए छप्पन प्रकार के उत्किल खा के अपन मन लमड़ान जी तो राजा मन छप्पन प्रकार के खाते गौ माता घास खाते शेर तो मांस खाते निशाचर तो मांस खाते गिधवा घलो मांस खाते लेकिन मरे जानवर के मांस ल खाते शेर है जिंदियत केल खाते मरे केल नहीं खाए और खुद शिकार करके खाते ऋषि मुनि महात्मा मन तो मन कांदा कुसा जरी बूटी फल फल हरी ये लग खाते ठीक है सात्विक आहार जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। मैं चाणक्य नीति में पढ़े हूँ चावल से ज्यादा ताकत रोटी में रोटी से ज्यादा ताकत दूध में दूध से ज्यादा ताकत घी में और घी से भी ज्यादा ताकत मांस में जहां तक शेर की ताकत लोकरे से अंदाज लगा है ऐसे मोला लगते चाणक्य है जितने बहुत बड़े कवि का बहुत बड़े दार्शनिक हो लखन श्री रामचंद्र की जय। तो सब अलग अलग करके देखिन सियान मन गौ माता घास खाते शेर मांस खाते ऋषि मुनि महात्मा मना कांदा कुसा जड़ी बूटी खाते जन लैका पूछ पड़ी तो मन के मन काला खाते तो सियान मन कहते समय देख के अपन हल्का फुल्का थोक थोक सब बोल चला लेते लखन श्री राम चंद्र की जय। सब चलता है ऐसे किसी ने क्या लाओ सब चलेगा क्या लेंगे कुछ भी ले आओ। एक जना होटल में गीत पिए पा रहा है वो है। पिए भर रहा है पाए नहीं रहा है दुनिया बोलते पिए पाए है धोखा पाए है दूधी झोला साग पाना गरवाल खवा है साइकिल हुई डर गंवाए है हाथ के घड़ी नौ नौ सौ के तेल हुई डर हजार है माथल और माए घर ढहरा है तो काय पाए है पिए भरे पाए नहीं हम पाए हो ही तन हेरा दो चार हाथ पाए लखन से रामचंद्र की जय। लखन से रामचंद्र की जय। होटल में जाके होटल वाले कहा तो सामान देते थे ला गरम में क्या है भजिया है और क्या है समोसा है और क्या है आलू चाप है और क्या है आलू गुंडा है और क्या है जलेबी है छन पूछे बूता करेगा और क्या है तो आखिरी में जतका सामान इस तत्काल बताई चो सामान दे भैया और क्या है गरम में से तो फिर होटल वाले वो लिखा के थे अब आखिरी में गरम अब तावा चूल्हा भर है गरम में तावा चूल्हा भर है वह बदन भर ना के ना अब गरम में सिर्फ अब तावा है तो पिया गुड़क नशे उतर गए ठीक है तीन प्लेट लगाओ चलेगा। लखन श्री रामचंद्र की जय। विविध भांति भोजन करवावा एक भाग का पूछ लेना मोला कई जन महतारी मन घर में सियनहीन मन पूछते अम्मठ उम्मठ खाथो नहीं बेटा तुमन हाँ खाथन दाई काबर नहीं रमैन हमन नहीं खाए के थे अम्मठ सम्मठ नहीं हम तो दोनों जोर खाथन माता राम बारो में ही ना खाथन मांग के खाथन काबर मांग रे मुंह खा अरे मांगबे नहीं किसी आमक चटनी हेर के दे दी तो लोते मेहनत में शक्कत करके चटनी बना है महंगा महंगा सामान डरा है और तेना वापट वहां धरा है। लखन श्री रामचंद्र की जय। मोर सीताराम भाई पूछी से
डायरेक्ट पूछी से मैं लाल चाय बनवाऊँ कि दूध वाले बनवाऊँ। काबर आज भी इसने हजारों आदमी है जिन हकीकत में दूध के चाय नहीं पिए, वो हकीकत में मुंह के स्वाद भर भर आए वह दूध के चाय है। ठीक, नुकसान करते तो दूध के चाय है तेने नुकसान करते, लाल चाय ते दिन भर पियत रहा जरा भी रिएक्शन नहीं बता रहे, तो काय पूछी तेने अपराध है नो है, बहुत सुंदर बात है ना। हाँ, लाल चाय बनवाओ थन दूध वाले, तो मैं हम दूध वाले बनवा ले, लाल चाय पीते रही थन है ना, वो तो कन बने पाता रही थे दूध डरा रही थोकन मोटा हो जी लबोदा पानी। काली चाय एक ठन घर में पूछी दूध लाओ थन चाय लाओ ऐसे, तो मैं कह दूध लो पहली लाओ चाय लोटी बना दूध लो घलो पी देवो और दूध के पियत ले तो चाय बन जाए ऊल पी देवो, वो मुँह मूल देखे वो लगन से रामचंद्र की जय। सब जगह घूमत किंद्र थन का काय हुई कि थते हैं विविध। अच्छा, यही रामायण में लिखा है भक्त वो हरे जिन अपन भगवान की रुचि ल ध्यान में रख के भगवान ल भोग लगाते, ये लिखा है रामायण में। अब मैं जिन लग खावे नहीं करूँ तेने ते लाल अकमण आवा था थारी भर, तो हाथ जोड़े लागी नहीं लागी मोला भाई एक लेख जैसे दामे नहीं बने भाई है तो कहाँ है नहीं ओकर रुचि ले एक भाग पूछ ले करेला खाता धन नहीं एला खाता धन नहीं ओला खाता धन नहीं चना सब पूछ ले, पूछे में कोई दोष नहीं है, पूछ के काम करने में कोई प्रकार के घाटा नहीं हो। तो एक करवावा शब्द का अर्थ का होते विविध भांति भोजन करवावा, माने विश्वामित्र के रुचि ले ध्यान में रख के भोजन करवाए गए। और जब सियान मन आचमन करते थारी चारों तरफ भगवान ल भोग लगा थे तेकर बाद निमाला उठा थे, अब वो महाप्रसाद कहला थे। वाल्मीकि महाराज कहे हे प्रभु ते ओकरे घर में रहीबे ओकरे हृदय में रहीबे जेन रोज के तोला पहली खवाते तेकर बाद खुद खाते तुम ही निवेदित भोजन करही। अब महतारी मन तो सुरुच में चूल हम डार देते नहीं डार देते का, वो जब भात लग कल था थे हम देखे भाई कल था थे उसके बाद आचमन करते आचमन करे बाद अग्नि दे तला हो कुछ भी गलती अपराध हो गई बोला क्षमा करवे का वो लकड़ी में खलो कई ठन कीड़े उड़ा मर दिखेगा। हाँ तागी मुँह भूंजाही नहीं भूंजाही वो तो जत का जाने अनजाने में कर से त्रुटि हो जाते बोला अग्नि देवता क्षमा कर देते। मैं अपन महतारी लिखने देखे वैसे आचमन करत वो अग्नि देवता भोग लगावत और ऊपर पाँव परत घलो देखे हूँ। ठीक है, अब सिलेंडर के जमाना है तो सोचता हूँ हम लोग कौन मेरे देव थोड़ी लखन से रामचंद्र की जय। तो आज भोजन करे के बाद फिर एक घंटा आराम विश्राम हो गए, चारों बेटल बलवा के फिर विश्वामित्र प्रणाम करा है। पुनि चरणन में ले सुत चारी 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 राम देखि मुनि देह बिसारी राम सिया रामा सिया रामा राम देखि मुनि देह बिसारी राम सिया रामा सिया रामा सब मन हर शिव वचन कह कृपा किन्नी ने काहू राधे हो जावा राम के बिना हो भैया राम के बिना हो भैया राम के बिना जल जाए जल जाए दिया पाप में राम के बिना जल जाए राम के बिना हो भैया राम के बिना हो भैया राम
देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना क्षत्रियान बिल भी प्रज्ञान बिल घर संतान बिना देह प्राण बिन हाथ दान बिना भोजन मान बिना नाम बिना नर ऐसे जैसे नाम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जल जाए जिभिया पात राम के बिना जल जाए जिभिया पात राम के बिना राम के बिना हो भैया राम के बिना हो भैया चांद के बिना जल जाए जल जाए जिभिया पात राम के बिना जल जाए जिभिया पात राम के बिना प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान राम की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।